Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. Hello, कैसे हैं आप सब? Okay. खोलें। हम लोग बस अभी जा रहे थे दावत में. मैंने आप लोग को बताया था सवेरा. Okay, we were going. हम लोग जा रहे थे दावत में, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं. और तैयबा खाला के घर पे दावत है तो तलहा. ये अभी बस हम लोग जल्दी जल्दी में आए, लेट हो रहे थे तो सांस इसलिए फूला हुआ है. तो बस अभी मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ और अब हम लोग ऑल द वे कहाँ पर जा रहे हैं तलहा? अस्सलामु अलैकुम, हम लोग जा रहे हैं तैयबा खाला के घर. अफ्तार है हमारा, अफ्तार पार्टी. तो हम लोग बस 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं क्योंकि क्रॉस रोड ही उनका घर है. तो बस अभी हम रास्ते से उनके लिए एक छोटे से गिफ्ट भी लेंगे तो चले हम आपको मिलवाते हैं वहाँ पहुँच के. सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तीनों बहनें, तैयबा खाला. तो आज मैं आप लोग को सबसे मिलवाऊंगी. और अभी मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ है माशाल्लाह से. फाइनली आज 10 रोज़े कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं चला इतना अच्छा मौसम हुआ था. बारिश और सीरियसली सहरी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी फील होती थी. तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं. और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मेरे और तला के हम लोग के बहुत अच्छे जा रहे हैं. और आप सब हमें दुआओं में याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप सब हमें अपनी दुआओं में बहुत याद करिएगा. बस अब अभी हम जा रहे हैं. हम लोग तैयबा खाला के घर पर पहुंच गए हैं और बस अब 5th फ्लोर है उनका, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं. ऊपर आ गए हम लोग, आ गए हैं तैयबा खाला के घर पर. अस्सलाम वालेकुम तैयबा खाला, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. 15 दिन एक अच्छा निकल गया ना. हाँ, ये देखें तैयबा खाला का. अच्छा, यहाँ से शुरू करो जी. ओके, आइए जी, हम आपको अपना बागीचा दिखाते हैं. ये है किचन गार्डन. आइए, ये सबसे पहले ये आलू है, अभी इनको ड्राई करने के लिए. अरे तो आप ही गए हैं, देखिए आलू. ये आलू निकल आया ना इनको खुश करने के लिए, पत्ते निकाल दिए इसके साथ. वो आगे टमाटर है. हाँ. लेकिन इसमें अभी लगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जाइए. जो ये आगे आगे बढ़िए, ये जो है ना क्या होता है सरसों, सरसों की सिर्फ फलियाँ रह गई हैं. ये मैं निकाल के एक एक फली में से खा लेती हूँ इसके बीच. और ये पूरा आपने खुद से किया? ये सरसों तो जी. अच्छा, आगे बढ़ो. ये मिर्चें देखिए, मिर्चें लगी हुई हैं. हाँ हाँ, ये रही हूँ. और आगे बढ़िए, ये टमाटर है बस तैयार ही निकालने के लिए. ओहो, ये देखिए. अच्छा अच्छा, अभी थोड़े से कसा रहा इसमें. अच्छा, तो अब कितने टाइम में ये वैसे हो जाते हैं पूरे तैयबा खाला? ये तकरीबन 4 से 5 महीने का प्रोसेस है. और ये क्या है, ग्रीन ग्रीन जो नजर आ रहा है, एलोवेरा? नहीं, ये पीछे जो है ना, ये नहीं नहीं, ये ये पूरा वो ही है, टोमेटो है. और उधर भी मिर्चें लगी हुई हैं सारी. और ये कहाँ से ये पौधा क्या निकल गया इसमें, इसके देखो येलो कलर के फूल है. लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आप प्लांट है, बड़ा ही आ रहा है. बहुत आपने प्यारा सा गार्डन बनाया है, मिनी गार्डन. ये देखिए, करेले था. वैसे कोई तैयबा खाला कोई एक खास टिप देना चाहें, जो लोग शौक है जिन लोगों को करने का, कोई एक तो टिप दे दें जिन लोगों के खराब हो जाते हैं, नहीं हो पाते, तो क्या देंगे? पूरी ट्रेनिंग है मुझसे, वक्तन फक्तन जो है ना वो टिप लेते रहे. आपको कितने अरसे में आई, मतलब पूरी? मैं तो स्टूडेंट लाइफ से जो है वो. अच्छा. क्योंकि एज अ फ्लोरिस्ट विन करती थी, प्राइजेस लेती थी, और उसके बाद जो है फिर वो मैंने ये शुरू कर दी. बहुत प्यारा लग रहा है, अम्मी की तरह. बहुत सारा लगाया हुआ है नीचे, लगाया हुआ है. और नीचे सीढ़ियों पे जो है ना वो लेमन है, वो भी मैंने लिया है. लेमन के बाद जो है वो सुहांजना है, सुहांजना है. और यहाँ क्या क्या है टेबल पर? हाँ, टेबल पे भी पूरी चीज़ें ली हैं. ये रोल हैं जो फ्राई होंगे बिल्कुल अफ्तार से पहले. और उसके बाद ये समोसे हैं कराची यूनिवर्सिटी वाले. अरे वो बहुत मज़े के होते हैं. ये जनाब मैंने कचौरियाँ बनाई हैं, ये चुकंदर की है, उसके साथ ये पालक की
कचौरी है और ये पकौड़े जो है ये भी जरा डिफरेंट है, डिफरेंट है, खाएंगे तो आप देखेंगे। इसमें जो है ना वो बंद गोभी जी, बंद गोभी प्याज चलते हैं और एक खास इसकी चले। आज हम पूरा अफ्तार में मेन्यू दिखाएंगे और कुछ रेसिपी भी मालूम करेंगे तैयबा खाना से। मैंने पूरी रेडी तैयारियां सब की हुई, चटनी माय फेवरेट, दिस वन मेरी फेवरेट है। और ये देखें पूरी तैयारी, सबसे पहले लगता है हम ही आ गए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, मैंने कहा टाइम से पहुँच जाए। हेलो सुम्बुल, क्या हो रहा है? ये देखें ये कौन सी चटनी है तला, मेरी फेवरेट कौन सी है? पुदीने की चटनी है, बहुत मजे की है। पिछली बार भी जब हम लोग आए थे तो बहुत मजे की थी। पाइनएप्पल रखे हुए शायद, ये देखकर मुझे ना चटपटी चीजें देख के रोजे की होती है। और ये है, ये भी वही है, नहीं ये इमली की है, ये इमली की है जी, वो हरी चटनी है, हरी चटनी है। ये आलू है, आलू है, बहुत मजे की। पिछली बार भी जब हम आए थे हम लोगों ने टेस्ट की थी, मुझे वही याद आ रहा है। अच्छा अब चार में चटपटी चीजें देख कर ना हमें पानी आने लगता है, जल्दी से रोजा खुल जाए इस दफा। मैं जो हूँ सिर्फ वीकेंड्स पे पकौड़े समोसे और अफ्तारियाँ बनाती हूँ, वरना नॉर्मल खाना, और बड़े सुकून से अब खा भी रहे हैं और किसी के कोई नखरे भी नहीं है, मजे से अफ्तारी भी और खाना सब एक साथ होता है। बिल्कुल आजकल ये चल भी रहा है कि फ्रूट का आप लोग बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट था, फ्रूट का बायकॉट था, और जितना भी कर्टेल कर सकते हैं करना चाहिए, जो बचेगा वो किसी मुस्तहिक को। तो आप इस राइट में है कि करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है ना मुनाफाखोरी रमजान में क्यों करते हैं भाई, गलत बात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल रमजान कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो, बहुत अच्छी तरह दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस ऑफ है तो यस, तो मैं अपनी नींदें पूरी कर, वेकेशंस के साथ साथ रमजान गुजर रहे हैं, चेरी ऑन द टॉप, मतलब वेकेशंस के साथ साथ रमजान। अरे और ये इन बंदरों को संभाल रहे हैं। हां तय वखला, आपके कैसे जा रहे हैं? मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं, रोज जैसे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जा ही रहे, अब जब थोड़े से दिन रह जाएंगे तो फिर ईद भी आ जाएगी, एक अशरा तो हो गया सब। और बहुत अच्छा मौसम है तो बहुत ठंडे ठंडे रमजान, हर वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे अफ्तारियां हैं, मेरे मेहमान आते हैं और इस तरह से रमजान गुजर रहे हैं। इनाया आप ही बताएं, आपने इनाया कितने रखे अभी तक रोजे? ये तो छोड़ो, चले इनाया जल्दी से बता दें। इस रमजान दो रोजे रखे, एक दिन में दो रोजा, पिछले साल रखे थे सवेरा बाजी इन्होंने, पिछले साल रखे थे ना, तो रोजा खुश हुई थी। अच्छा ये सेकंड टाइम रख रही हैं। मूसा मूसा मामी से रोजे कहाँ रखे हैं? रोजे से पेट में रखा था, पेट में। आप कहाँ रखे हैं ये बताइएगा ना बेटा, बताओ। अभी उन्होंने केक खाया हुआ इसलिए हाइपर हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, जाओ एक एक पीस और खा लो, केक मीठे मीठे हो जाओगे। जाओ कल मुलाकात होगी, तो कल के लिए तैयार। अल्लाह हाफिज, हमारी स्टार पार्टी खत्म होने जा रही है घर पर। अब हम लोग आ गए हैं घर पर, अभी अभी प्यारे प्यारे से फ्लावर ये देखें। हाँ जी, तो हमारी कल की जो अफ्तार पार्टी थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, हम लोग आए थे बहुत थके हुए तो सो गए थे, तो अभी मैं दूसरे व्लॉग की तैयारी कर दी। मैंने कहा दूसरा स्टार्ट करने से पहले मैं पहले इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ। सो होप यू लाइक द व्लॉग, और व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। और जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त है, और अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी क्योंकि आज घर पर अफ्तार पार्टी है, तो सब आएंगे, मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी दोबारा से। तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और आज का जो व्लॉग मैंने बनाया था वो आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफ़िज़।